अरे सेठ जी, हाँ, अरे तुम उनको जानते हो क्या, वो सीमापुरी वाले कालीचरण? तू जानता ना है, मेरा कत्ता बड़ा दुश्मन है वो। अरे हाँ हाँ जानता हूँ, अरे मैं उनकी बात ना कर रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि उनकी जो लड़की है ना, अरे सेठ जी कसम से कह रहा हूँ, कॉलेज में टॉप किया टॉप। अब कहाँ खो गई? ना ना कहीं ना खो गया। अरे उसकी वो लड़की, हाँ, अरे वही ना जो बचपन में जो है ना कैसे सोड़ 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 करती रहती थी वो। अरे सेठ जी तुम कैसी बातें करती हो, बचपन में करती थी ना वो तो सोड़ सोड़। बचपन में तो तुम भी करते थे, और बचपन में क्या तुम तो अभी भी करते हो कई बार सोड़ सोड़ दुकान में आके मेरी। तो छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूँ मतलब मैं लड़की को सलाम करता हूँ, नाम कर दिया टॉप किया टॉप, माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। हाँ तूने कालीचरण से कितना कर्जा लिया है? जी कैसी बातें कर रही तुम? अरे तो फिर क्यों उसके नाम की माला जप रहा है तू? अरे माला वाला कुछ ना जप रहा हूँ मैं, ऐसी करो मैं तो सिर्फ उस लड़की की दिल से तारीफ कर रहा हूँ बस। अरे कितनी तारीफ करेगा ये बता है? कह रहा हूँ ना तभी तो तूने पैसा ले रखा है इसलिए उसकी लड़की की तारीफ किया जा रहा है तू। अरे सेठ जी फालतू की बात ना करो, मैंने कोई पैसा वैसा ना ले रखा, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं सेठ जी कि देखो जब भी कोई आदमी औरत तारीफ करने लायक काम करे तो तारीफ करो और दिल खोल के करो। तो कितनी तारीफ करेगा ये बता, सारा शब्द कोश यहीं खत्म कर देगा क्या मेरे सामने? चलो एक काम कर रहा हूं, मैं कालीचरण की बात ही ना कर रहा, मैं बात कर रहा हूं अब इलायची की। इलायची का क्या हुआ, परीक्षा में पास हुई, कितने नंबर लाई, या फिर से तुम्हारी कटवा दी मतलब लुढ़क गई क्या फिर से? एक बार बता, इलायची पास हो या फेल हो, तू इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है ये बता, हमेशा करता रहता फालतू की बातें। ए और छोटे चल रहा है नजफगढ़ में मुर्गों की दौड़ का प्रोग्राम हो रहा है। अच्छा गधों की दौड़ ना हो रही है? नहीं गधों की दौड़ तो नहीं हो रही है। तो फिर तू क्यों जा रहा है? मैं इसलिए जा रहा हूं कि गधों की दौड़ का अगर प्रोग्राम बनता है तो आपके नाम का पर्चा लिखकर डालकर आ जाऊंगा। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे हाँ भाभी आओ, समोसे खिलवा दूँ? ना ना समोसे ना खाएंगे। तो दूध जलेबी खा लो। दूध जलेबी ना खाएंगे छोटे जी, कहना कि टाइम ना है, घर पे बहुत काम हो रखा ना, पार्टी है। पार्टी? मिसेस पंचम एक मिनट इधर आइए। जी सेठ जी। भाई पार्टी हो रही है, पंचम की तनख्वाह बढ़ गई क्या? ना ना सेठ जी ऐसी बात ना है, पार्टी तो आपके घर पे है। मेरे घर पे पार्टी? हाँ। सेठ जी तुम्हारे घर में पार्टी हो रही है इसका मतलब क्या है, तुम फिर से बाप बनने वाले हो क्या? मतलब सेठानी उम्मीद से है? अबे क्या बकवास कर रहा है तू, इसके तो दूर दूर तक आसान नजर आ रहे हैं मुझे। तो फिर सीधा सीधा इसका मतलब सेठ जी ये है कि इलायची के पास होने की पार्टी है। अबे अगर इलायची पास हो गई ना तो पूरे चांदनी चौक में हलवा बटवा दूंगा, बता रहा हूँ तुझे। हाँ सही कह रहे सेठ जी, इलायची जी पास ना हो तो पार्टी ना छटंकी मामा दे रहे हैं। छटंकी दे रहा है पार्टी? हाँ। अरे लेकिन किस खुशी में दे रहा है वो? वो ना उनका कोई केस चल रहा था उसमें बरी हो गए, छूट गए, आंटी जी बता रही थी। एक मिनट, ये पार्टी जो हो रही है इसका खर्चा कौन कर रहा है? आंटी जी कर रही खर्चा। अच्छा हम चलते हैं, टाइम ना बहुत काम हो रखा घर पे, बाल सीधे करा लिए। दोनों भाई बहन मिलके मुझे डुबो के ही रहेंगे। अरे तुम चिंता ना करो सेठ जी। क्या बात है मामा जी, ये जाम आपकी आजादी के नाम। चीज़। मैं बात कर रहा हूँ अब इलायची की। इलायची का क्या हुआ, परीक्षा में पास हुई, कितने नंबर लाई, या फिर से तुम्हारी कटवा दी? मामा जी सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे कोई मेडल जीत के आया है ये। छटंकी भैया क्या कर रही है? अरे अरे बताओ जी जी कैसी बातें कर रही है तू? है ये खुशी के मौके पे तेरे आंखों में टिश्यू है, अच्छे ना लग रहे, ये तो खुशी का मौका है पगली।
छटंकी भैया, ये आंसू भी तो खुशी के ही है। कितने बड़े केस से तुम बरी हो गए। इलायची जी, ये वही रोहिणी वाला कांड है ना, जिसमें लाखों रुपए चोरी हो गए थे। ये वही कांड है। हाँ पता है, और जैसे चोरी हुए थे ना, तो पुलिस ना यहाँ मामा को ढूंढने भी आई थी हमारे घर पे। अच्छा, पुलिस ने दबोच लिया? मतलब मामा जी मिले? अरे नहीं यार, मामा जी बिल्कुल भी नहीं मिले, बल्कि उनकी जगह ना पापा को धर के ले गई थी पुलिस। और तुझे पता है ना, सुनो याद है ना, इतनी कुटाई हुई थी ना पापा की, मतलब मजा ही आ गया था। ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। क्या बक रहा तू? बहुत बुरा हुआ सेठ जी, बहुत बुरा हुआ। क्या खाक बुरा हुआ, बल्कि मजा आया। हो गया ना, पिंकी अंकल उस समय ना थाने पे नहीं बैठते थे। एक लेडी इंस्पेक्टर थी, क्या नाम था उसका, ये उनका नाम था कोई चौटाला। हाँ, चौटाला। चौटाला। और पता है, वो पापा को ना ऐसे गिरेवान से पकड़ के ना घसीटते हुए ले गई थी थाने तक। फिर तो बेल से सताई हुई थी पापा की, है ना पापा? क्या भागे जा रही है तू, फालतू की बातें। अब मैं फालतू की बातें नहीं बकरी हूँ, बल्कि हम लोग तो पुरानी यादें ताजा करें। नहीं, तू पुरानी यादें ताजा ना कर रही है, तू मेरे जख्मों पे नमक छिड़क रही है बस। मैं आपके जख्मों पे नमक छिड़क रही हूँ पापा? और क्या, बता पूरे साल तू क्या करती है, है? पहले फेल होके मुझे जख्म देती है, उसके बाद पूरे साल उस पर नमक छिड़कती है। पता क्या किया है तूने आज तक, बोल। कोई ऐसा मौका दिया तूने मुझे कि मैं घर से सीना सीना फुला के लोगों के सामने खड़े होकर ये बात कहूं कि देखो कि मेरी बेटी ने देखो ये किया है, है? और वही वही मेरा दुश्मन जो है ना कालीचरण, उसकी बेटी ने कॉलेज ड्रॉप किया, तूने क्या किया? बता क्या किया तूने? मैं करूंगी, मैं कुछ ऐसा करूंगी जो आज तक किसी ने ना किया हो। बस बड़ी बड़ी बातें करा लो इससे, बस बिल्कुल अपने मामा पे गई है। ओ भांजी है हमारी, अपने मामा पे ना जाएगी तो फिर किस पे जाएगी? आई डोंट टॉक विद क्रिमिनल्स, आई वॉन्ट फिनिश All criminals in India. इलायची, तेरे पापा को समझाना बेटा। पापा, चलिए आप कमरे में चलिए, आइए। Why I go to my bedroom? Why? Because you're drunk, papa. चलिए please. I drunk? Why I drink? You know better. How would I know, Papa? I drank because of you. Because of me? Yes. People laugh on me because of you. You always down my head in front of people. My dushman. Sir ji, dushman ko angrezi mein enemy kehte hain. You are right, my boy. हाँ जी, आगे बताइए। माय नंबर वन एनिमी कालीचरण, वन फ्रॉम मी बिकॉज हिज बेटी। अरे सेठ जी, बेटी को अंग्रेजी में डॉटर कहते हैं। जीजा जी, बोलने दीजिए, पापा जैसे भी बोल रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, माई एनिमी कालीचरण बेटी पास एंड यू फेल। पास तो होगी ना, वो फर्रे लेकर आती है एग्जाम्स में। यार ये लो फर्रे लेके तो हम भी बैठते हैं, पर हमारे फर्रे बैकफायर होता था, इसमें हमारी थोड़ी गलती है। यार मुझे बहुत हर्ट हो रहा है। किस बात पर इलू? पापा ने सबके सामने मेरा मोराल डाउन कर दिया। हाँ, अंकल का मतलब एकदम साफ था कि तू लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। मैं लाइफ में जरूर कुछ बन के दिखाऊंगी।
इलू तू ना बना सकती है, बनना तेरे बस की बात नहीं है। इलायची की किस्मत भगवान जी ने कुछ लिखी इस करीने से है कि बिना पढ़े बिना लिखे मैं कुछ भी कर सकती हूँ और कुछ भी बन सकती हूँ। अच्छा तो फिर क्या बनेगी तू इलू? वो तो आने वाला कल ही बताएगा। और गलुए हैं, तेरा जो है दिमाग हमेशा पैसों पे रहता है, नजर है तेरी यहाँ। चल ठीक है, हैं ले पकड़। और सुन, बाकी के पैसे जो है ना मैं अगली खेप में दे दूंगा, समझ रहा है? चल हिसाब कर ले जाके जा। मुंडी ला दे रहे हैं हमेशा। अजीब ही है, बस माल लो। अरे माल ठीक से चढ़वा, क्या कर रहा है तू? है माल टूटने जाएगा। सेठ जी कौन से कांच के लेंगे जो टूट जाएंगे? हर बात में बोलना जरूरी हो रहा है। काम कर, काम बात मत कर, समझ रहा है? माल चढ़ गया? जी सेठ जी। हाँ तो गाड़ी आगे बढ़वा, चल 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 आ जाओ। एक मिनट, इतनी भी जल्दी क्या है अंकल? कौन है तू? इस इलाके का टॉन हूं मैं, टॉन। अबे डॉन तो सिर्फ एक ही आदमी है, अमित जी। अरे वो फिल्मी डॉन है और मैं रियल टॉन। अबे बात देखे तो जैसे डॉन, चल निकल ले यहां से, चल हट। लूटपाट मचाएगा? छोड़ूंगी नहीं तुझे। पर तू है कौन? अंडरकवर एजेंट इलायची बंसल ऑन स्पेशल ड्यूटी, और ये दोनों मेरे जूनियर ऑफिसर सुनीता बाबा और संजू दीक्षित। जी मैं जिंदा हूं, लेकिन ये बताओ मैं बेहोश कैसे हो गया? सेठ जी दरअसल क्या है कि हम गाड़ी में माल लाद रहे थे, तभी एक गुंडा आया और उसने अचानक आपको छेड़ दिया। गुंडे ने मुझे छेड़ा? नहीं, हमारा मतलब ये है कि उसने आपको लूटने की कोशिश की और तभी इलायची जी आई और उन्होंने आपको बचा लिया। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैं अंडर कवर एजेंट इलायची बंसल हूँ। यार कैसे बेहोश हो गए यार? हटना यार, मैं तो भागी फूट गए। अरे लेकिन मुझे कोई ये तो बताओ कि ये बार बार बेहोश क्यों हो रहे हैं, बल्कि इनको तो खुश होना चाहिए। आंटी जी दरअसल सेठ जी से ये बात हजम ही नहीं हो पा रही कि इलायची जी पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट में लग कैसे गई। सही सही कह रहे, सही कह रहे तू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बता कि तू इतनी बड़ी पुलिस में इतनी बड़ी पोस्ट में कैसे पहुंच गई? तूने तो 11वीं पास ना की। प्लीज हां, पढ़ाई के दम पे नहीं बल्कि बहादुरी के दम पर पुलिस की नौकरी मिलती है, समझे? अच्छा तो तूने कौन सी ऐसी इलू सेल्फी तो तूने कौन सी ऐसी जो है इलू सेल्फी तो तूने कौन सी ऐसी जो है इलू सेल्फी तो तूने कौन सी ऐसी जो है इलू। मेरी वॉच कैसी लग रही है? चल नहीं रही है। बंद। तो तूने कौन सी ऐसी बहादुरी के दम पर यह पुलिस की नौकरी पाली, ये बता। देखिए ये टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग है,
इसकी डिटेल्स मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, आपके साथ भी नहीं, सो प्लीज। अच्छा तो तू एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे तेरी बातों पे यकीन ही ना हो रहा है। एक ईमानदार ऑफिसर की ईमानदारी पे शक करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। फिर तो भागे फूट गए। इंस्पेक्टर सुनीता, सब इंस्पेक्टर संजीव, इलायची, शट अप, अरेस्ट दिस मैन राइट नाउ। अरे क्या कर रही है तू, क्या कर रही है तू, समझ ना रही क्या कर रही है तू। इलायची जी, आप ऐसे थोड़ी ना कर सकती हैं सेठ जी को अरेस्ट। ए तू चुप रह, इसे अरेस्ट करो, पहले इसे अरेस्ट करो। हमने क्या किया? मुजरिम की तरफदारी कर रहे, इसे अरेस्ट करो। अरे इलायची जी, आप ये क्या बोल रही हैं? और अगली बार किसी ने ऐसी हरकत करने की सोची भी ना तो सलाखों के पीछे नजर आओगे सबके सब। और फिर भी कोई प्रूफ चाहिए ना, तो हमारे इलाके के जो नेता जी हैं उन्होंने मुझे बहादुरी का अवार्ड दिया अपने हाथों से। लेट्स गेट द प्रूफ, फॉलो मी। जी जी नहीं नहीं जी, आज का प्रोग्राम तो हो ही नहीं सकता जी। अरे नेताजी को दौरा पड़ा है। नहीं नहीं जी, रेड नहीं पड़ी। हेलो नेताजी। नेताजी हेलो बोल रहे हैं जी। नेताजी बोल रहे हैं जी, आज कौन सा पोल खोलने आई हो? मतलब कि आज क्या करने आए हैं आप? नेताजी वो ना हमने एनसीसी का एग्जाम दिया था तो मैं फर्स्ट आई हूँ और सुनीता बाबा वो सेकंड आई है, तो ये हमारे पास ट्रॉफी है, आपके सामने फोटो खींचना था प्लीज। हे वाह नेताजी, आजकल तो सारी दुनिया आपकी खींच रही है। फोटो जी जाओ जाओ जी। इलो सेल्फी दीजिए ना प्लीज, दीते हैं। नेताजी ना आपको ना आपके उज्जवल भविष्य के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। थैंक यू नेताजी। चल सुनो अपना काम हो गया। थैंक यू बाय बाय। मेरी बच्ची, मेरी बहादुर बच्ची, अरे देखो, अरे तूने वो काम कर दिखाया जो मैं सपने में भी ना सोच सकता था। पता है तुझे, सोच मतलब मैं मेरी आंखों को विश्वास ना हो रहा है ये देख के। सोच, अरे एक मिनट, तो नहीं लाइची के पापा मुझे आरती उतारने तो नहीं लाइची की। अच्छा हाँ? ये बहादुर बच्ची मैंने पैदा की है तो मेरी आरती उतरनी चाहिए। अरे वाह भाई इलायची के पापा, तुमने क्या अकेले ने पैदा की है? मैं भी तो इसकी माँ हूँ, आरती तो मेरी भी उतरनी चाहिए। एक मिनट, मेरी बहन जी है वो, बहुत सारी चालाकियाँ उसने मामा से सीखी, छटंकी मामा से, इसलिए आरती वो मेरी तारेगी। अबे ओए, अगर तुझसे चालाकियाँ सीखती ना तो अभी जेब कतरा या चोर बन गई होती। बात कर रहा है तू भी बेकार की, मेरी आरती वारती कुछ ना उतरेगी। जब बहन जी है मेरी वो, और मैं उसका मामा हूँ तो आरती तो उतरेगी तो मेरी उतरेगी। मामा जी शांति, एक काम करते हैं, हम सबकी आरती उतार देते हैं। ये ठीक है। उतारा भाई। ले। हाँ बुबू। बस ठीक है। इतनी चमचागिरी मुझे पसंद नहीं है, सो स्टॉप। हम तो आपको सम्मान दे रहे थे। इतना सम्मान करने के पीछे जरूर आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते होंगे। इतना सम्मान करने के पीछे जरूर आप अपना कोई काम निकलवाना चाहते होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात कही आपने इलायची जी। मैडम, कॉल मी मैडम। ओके मैडम, आप तो बहुत ही काबिल ऑफिसर हैं, आप जनता की मन की बात कितने अच्छे से समझ लेती हैं। गुगू कितनी सही बात कही तुमने, अब कहा है ना भैया इलायची जी जो है पुलिस अफसर बन गई, बड़ी पुलिस अफसर, तो अब जो है ना हम गरीब लोगों की मदद जरूर करेंगे। अरे पुलिस ऑफिसर बनी है, कोई प्राइम मिनिस्टर ना बनी है, सबकी मदद करेंगी। आप भी बेकार की बात कर रही हैं, हैं?
अरे सेठ जी आप जानते ना है, पुलिस अफसर बहुत बड़ी चीज होते, बहुत पावर होते, अब जैसे बहुत काम कर सकते हैं। अब आजकल का ना सब्जी बहुत महंगी हो रखी, तो हम जो कह रहे इलायची जी सब्जी वानस कह के ना सब्जी थोड़ी सस्ती करवा दो। जी मैडम वो क्या ना कि सब्जियां बड़ी महंगी हो गई और इस 2500 की तनख्वाह में हमारा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। अरे यार सब्जी वाले भी तो गरीब होते हैं ना, और अगर वो सस्ती सब्जियां बेचेंगे तो उनका गुजारा कहाँ से होगा भाई, ये तो बताओ। नहीं नहीं इलायची मतलब मैडम जी आप एकदम सही बात बोल रही हैं, लेकिन इसका इलाज क्या है? इलाज साफ है, सब्जियां खाना छोड़ दे भाई, दाल रोटी खाओ फिर भूख का गुण गाओ। इलायची के पापा अगर मैं 2 दिन तुम्हें दाल दे दूं ना तो तुम चीख चीख के सारा घर अपने सर पे उठा लोगे। लेकिन दाल रोटी भी तो नहीं खा सकते ना, 250-300 रुपए किलो है। अरे तो काली दाल खा, बहुत सस्ती है। एक मिनट, मैंने इस बात का सलूशन निकाल लिया है। क्या सलूशन है मैडम जी? यही क्या कि तनख्वाह बढ़ा के 5000 कर दी जाएगी।